अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रखते रखते हमने कर लिया कि वो टीम हार गई, वो जीत गई, वो हार गई, वो जीत गई, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो जो अपसेट हुए ना, माई गॉड, आज मैच था साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का जो कि डिसाइडिंग मैच था। अगर सतोरी को मैच जीत जाता तो पाकिस्तान बाहर हो जाता, लेकिन नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था और पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को हरा दिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ग्रुप वन से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया है, ग्रुप टू से इंडिया और पाकिस्तान ने क्वालिफाई करा है। तो सेमीफाइनल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और मैं पहले साउथ अफ्रीका को हराया, जिसके अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग ने काफी अच्छी करी, बैटिंग भी शादाब खान ने जो 50 करी, जो चाचा चुंगे हो गए इनसे, तो उन्होंने बैटिंग करी और मोहम्मद हारिस ने जो बैटिंग करी साउथ अफ्रीका गेम, हम उन तीनों की जो बैटिंग करी, जो तेज हिटिंग करी, उसके से जीते। और आज के मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में भी शान मसूद ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, उसने आगे मतलब हमारे ओपनर जो बहुत स्लो खेला, गेम फंस चुका था, लेकिन आके मोहम्मद आरिस ने प्रेशर रिलीज करा, उसने थोड़ी सी हिटिंग करी, फिर शान मसूद आया, उसने भी आके हिटिंग करी और इसी तरह हम गेम जीत गए और हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। खैर, अब हमें आगे देखना है कि आगे क्या होता है, क्या हम सेमीफाइनल जीत के ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान ला सकते हैं। सो ऊपर वाले पर है, क्योंकि जिस तरह पहुंचे हैं ना वो भी अल्लाह खैर सल्लाह ही था। सो खैर, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।